तो गाड़ी को अभी मैं फ़िलहाल स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया कैसा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और गाड़ी को मैं एक गाड़ी में ये एसीआर का लाइट है, ये एसीआर का लाइट ब्लिंक कर रहा था, अभी भी कर रहा है। और यहाँ पे उसका जो चेक लाइट है वो बीच वाला जहाँ पे इसके अंदर चेक लिखा है वो भी ब्लिंक कर रहा था और गाड़ी बंद हो गई थी। तो उस फॉल्ट को मैंने क्लियर किया है। और अभी और एक दिखाता हूँ कि गाड़ी अभी स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होने के बाद में भी ये जो एसीआर का लाइट है वो ऑन है। तो आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ और वो प्रॉब्लम कैसा क्लियर किया वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे देखेंगे तो उसका चेक लाइट अभी ब्लिंक कर रहा था, अभी वापस स्टडी हो गया और यहाँ पे एसीआर का लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है। और पहला ये चेक लाइट भी आता था और वो भी ब्लिंक करता था, वो टाइम पे गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती थी। तो अपन एक्स टूल PS70 प्रो के ऊपर उसको स्कैन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। गाड़ी को ऑफ करके ऑन करता हूँ मैं और जाएंगे डायग्नोस में इंडिया और जाएंगे OBD2 में, ऑटो स्कैन करेंगे, रेड ट्रबल कोड, स्टोर कोड देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है P206A रिडक्टेंट क्वालिटी सेंसर सर्किट, सेकेंड आ रहा है P2BAF नॉक्स सिस्टम ड्राइवर इंडक्यूमेंट एक्टिव, और थर्ड आ रहा है P207F रिडक्टेंट क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो ये फॉल्ट भी क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और गाड़ी पहला क्यों बंद हुआ था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अपन डायरेक्ट फॉल्ट की तरफ जाते हैं। और एसीआर का फॉल्ट होने के बहुत सारे रीज़न रहते हैं। तो अपन पहला जो स्टेप्स है वो उसको अपन फॉलो करेंगे, क्वालिटी सेंसर सर्किट। तो आपको मैं सर्किट का कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये इसका यूरिया टैंक और उसके नीचे को सीधा डायरेक्ट फॉल्ट दिखाता हूँ। ये इसका जो सॉकेट है मैंने ऑब्जर्व किया तो ये इसके अंदर ये लॉक टूटा है, तो इसके वजह से क्या हुआ था ये बाहर आ गया था झटका लग के और गाड़ी वैसे ही चलाया ड्राइवर ने थोड़ा टाइम, उसके बाद वो लाइट दोनों ब्लिंक कर रहा था, ब्लिंक करने के बाद जब भी गाड़ी बंद किया तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो इसको मैं अभी थोड़ा बाहर आया हूँ ब्रेकडाउन पे, तो अभी उसको गैरेज पे लेके जाके इसको मैं प्रॉपर उसको टाइट क्लिप मार के उसको लॉक कर दूंगा मैं, तो ये अपना प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अभी फॉल्ट आ रहे थे वो अपन पहला चेक करेंगे, उसको अपन फ़िलहाल मैं उसको लॉक करता हूँ। लॉक तो नहीं होएगा लेकिन टेम्पररी उसको मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया, क्वालिटी सेंसर का फॉल्ट आ रहा था उसको अपन प्रॉपर मैं अभी लगा दिया हूँ, प्रेस किया हूँ, देखते हैं। तो इग्निशन स्विच ऑन है अपना और यहाँ पे देखेंगे तो एसीआर का जो लाइट जो ब्लिंक कर रहा था वो चला गया और यहाँ पे जो चेक लाइट था जिसके अंदर चेक लिख के आता है वो भी चला गया। और अभी ये फॉल्ट को एक बार क्लियर करके देखते हैं। तो अभी इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं एसीआर का फॉल्ट जा रहा है क्या। क्लियर फॉल्ट कोड, यस करेंगे, क्लियर DTC, रेड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट।
और जो फॉल्ट पहला जो हुआ था, गाड़ी बंद पड़ा था, वो भी फॉल्ट उसकी वजह से हुआ था। वो सॉकेट निकला था और उसके बाद गाड़ी ड्राइवर ने ज़्यादा टाइम चलाया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ये SCR का लाइट ब्लिंक और बीच का जो जिसके अंदर चेक लिखा है वो भी कंटिन्यूसली ये ऑन हो रहा था, ब्लिंकिंग कर रहा था, तो गाड़ी उसके बाद बंद करने के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो एक सॉकेट की वजह से इतना प्रॉब्लम होता है SCR का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।